Today, students, our topic is graph traversal. As you know, graph is used to store non-linear collection of elements. We need to write some algorithms to traverse from one node to another in a way so that vertices should not be visited again. There are two methods to write an algorithms. First method is the depth first search, that is called the DFS. Breadth first search, BFS. इससे पहले मैंने आपको tree traversal करवाया था. There is minor difference in graph traversal and tree traversal. Tree traversal में आप जो भी value traverse करते हो वो unique होती है. But graph traversal में वैल्यू रिपीट हो सकती है. नाउ फर्स्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च एग्जांपल देखिए. हमने ग्राफ बनाया 1 2 3 4 5 6. अब ये हम स्टार्टिंग नोड कोई भी ले सकते हैं. इसमें से हमने स्टार्टिंग नोड में 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग करके लिख लिया. अब हमें क्या करना है, इसको ट्रवर्स करना है. तो देखिए, जो भी नोड आप स्टार्टिंग नोड जो भी ले रहे हैं उसका एडजेसेंट नोड या फिर कहिए आप उसका नेबर नोड और उसके नेबर का भी नेबर नोड आपको ट्रवर्स करना है. देखिए, जैसे फर्स्ट नोड हमने ली, हम 1 से चलते हैं, ठीक है. 1 लिया हमने यहाँ पे, 1 से हम किस पे जा रहे हैं, 2 पे, ठीक है. और 1 का नेबर कौन है, 4 भी है, तो हमने क्या लिख दिया, 4. अब 2 का नेबर 3 है, ठीक है, 3, राइट. अब देखा हमने क्या, 5. 4 का नेबर क्या है, 5 भी है, यस 5. 5 का नेबर कौन है, 6. फर्स्ट ट्रवर्सल कंप्लीट. नेक्स्ट 2 से किस पे जा रहे हैं, हम 3 पे जा रहे हैं, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 2 से 3 पे. नेक्स्ट 3 पे, तो 3 तो एंड है अपने आप में, 3 से हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो 3 ट्रवर्स कर लिया. नेक्स्ट 4, 4 से हम किस पे जा रहे हैं, 4 से देखिए ट्रवर्स कर रहे हैं. और देखिए एक एग्जैक्टली वंस, जो चीज़ रिपीट हो गई है उसको नहीं करेंगे. वन ट्रवर्सिंग का क्या मतलब होता है कि ट्रवर्स एन एलिमेंट एग्जैक्टली वंस. 4 से 5 पे जा रहे हैं, 5 से 2 पे जा रहे हैं, 5 से 6 पे भी जा रहे हैं हम, एंड 6 से ट्रवर्स कर रहे हैं 3 एलिमेंट्स को. नेक्स्ट हमारा क्या है, 5. अब 5 से देखिए आप, 5 से यस 2 को ट्रवर्स कर रहे हैं, 5 से हम 6 को भी ट्रवर्स कर रहे हैं, और 6 से हम 3 को भी ट्रवर्स कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, 6. 6 से हम किस पे जा रहे हैं, 3 पे. दैट इज वेरी इजी मेथड to complete the breadth first search. Next आता है हमारे पास depth first search. Depth first search में हम क्या करते हैं, हर एक element को traverse करके उसके back tracking में जाते हैं. और जब वो back tracking में कब जाते हैं, जब वो dead end आ जाता है कि अभी आगे element traverse नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें बैक जाना स्टार्ट करते हैं. देखिए आप समझिए, फर्स्ट हमने इसी एग्जांपल को ले रही हूँ, फर्स्ट नोड ली हमने. अब देखिए फर्स्ट से हम किस पे, सीधे 2 पे गया, 2 लिख दिया, 3 पे गया, 3. नेक्स्ट अब देखिए 3 क्या आ गया हमारे पास, डेड एंड आ गया. अब 3 से हम फिर से वापस से जाएंगे, 2 पे गए, फिर 1 पे गए, 1 से कहाँ जा रहा है, 4, तो देन 4. 4 से किस पे जा रहा है, 5, एंड 5. 5 से किस पे जा रहा है हमारे पास, 6. तो अब ये कहो कि मैम ये 5 से 2 पे क्यों नहीं गया, क्योंकि 2 तो हम पहले ही आ चुका है, 2 इसमें ट्रवर्स पहले ही हो चुका है. और बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ट्रवर्सिंग का क्या मतलब होता है, ट्रवर्स एन एलिमेंट एग्जैक्टली वंस. अब नेक्स्ट हमने देखा 2, तो 2 से किस पर जा रहे हैं, 2 से 3. 3 के आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, वही तो कहाँ से डेड आएगा, तो डेड एंड आ गया 2 से 3 पे. नेक्स्ट 3 से, 3 से कहीं आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो 3.
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट नोड हमारा क्या है, फोर। अब फोर से देखिए किस पे जा रहे हैं, फाइव पे जा रहे हैं। फाइव से किस पे जा रहे हैं, सिक्स पे जा रहे हैं। सिक्स पे किस, सिक्स से कहाँ जा रहे हैं, थ्री पे जा रहे हैं, राइट। सिक्स से किस पे जा रहे हैं, थ्री पे जा रहे हैं। अब देखिए, अब थ्री और फिर थ्री क्या आ गया, इसका डेड एंड आ गया, तो फिर से कहाँ जा रहे हैं हम, बैक ट्रैकिंग में। नेक्स्ट सिक्स एलिमेंट, अब सिक्स से कहाँ जा रहे हैं, खाली थ्री पे जा रहे हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं, वी डू नॉट हैव एनी स्टार्टिंग वर्टेक्स और एनी स्पेशल वर्टेक्स साइंड आउट टू स्टार्ट ट्रैवर्सल। तो द ट्रैवर्सल मे स्टार्ट फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स। इसमें मैं आपको एक और एग्जाम्पल डेप्थ फर्स्ट सर्च का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी और शेयर करूंगी। उस एग्जाम्पल